लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे एक और बार आपने मुझसे घर जाने की जिद की ना तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगी कि देव की शादी मेरे साथ नहीं राधिका के साथ हुई थी। आज मैं एक वचन लेता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। देव हमेशा राधिका का ही रहेगा, सिर्फ राधिका का। शादी के हर दिन तक मैं तुमसे रोज मिलता रहूंगा। हर दिन? हाँ राधिका, हर दिन। और ये मेरा वादा है तुमसे। आज से लेकर शादी के दिन तक तुम राधिका से मिलने नहीं जाओगे। और ये बात अपनी माँ का हुक्म समझकर तुम्हें मानना होगा। ये कैसा हुक्म है बहू? मैं क्या करूं माँ जी, और कोई चारा नहीं है। आप देख रही हैं ना काम को किस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। उद्घाटन हुए इतने दिन हो गए लेकिन आज तक मठ में कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं। ट्रस्ट वाले लोग आते हैं, राजपुरोहित का इंतजार करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि देव का कोई पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ है। मैं नहीं चाहती माँ जी कि जिस काम को देव ने इतने चाव से शुरू किया, इतना आगे बढ़ाया, उसे ऐसे समय में किसी और खुद सौंप दिया जाए। पर बहू, नहीं माँ जी, आपके इस पोते की वजह से हमारे पुरखों का नाम खराब हो ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। हर शादी तो हो ही रही है ना कुछ दिनों बाद, फिर रोज रोज जाकर उस लड़की से मिलने की क्या जरूरत है? और माँ जी, बड़ी बहू ने भी कुछ गलत नहीं कहा है। नादानियां इसी उम्र में होती है माँ जी। बहू, तुम किसकी बातों में आ रही हो? हाँ माँ जी, आज तक मैं आपकी हर बात मानती आई हूं लेकिन आज आज नहीं। मैंने अगर देव से कह दिया कि वो शादी तक राधिका से नहीं मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा। और देव को अपनी माँ की ये बात माननी पड़ेगी। अब अगर देव अपनी माँ की बात को नकार कर राधिका से मिलते रहना चाहता है तो उसकी मर्जी। दादी माँ, ये माँ को क्या हो गया? ऐसे क्यों कर रही है? समझाओ उन्होंने, मैं राधिका से मिले बिना नहीं रह सकता। ना बाबा ना, तू जाने तेरी माँ जाने, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आने वाली। अब तुझे ही तेरी माँ को समझाना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। दादी माँ प्लीज, मुझे राधिका से मिलने से मत रोको ना। ले, ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने रोक रखा है इसे। तूने सुन लिया ना तेरी माँ ने क्या कहा, उनकी बात तो माननी पड़ेगी।
अपने दिल को समझा ले और राधिका से भी कह दे कि थोड़े दिन सब्र कर ले। दीदी आप इतनी देर तो आँख कभी बंद नहीं करते। मैं रोज कुछ ना कुछ मांगती थी लेकिन आज आज मैं देवी माँ को धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद? हाँ, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन कात्यायनी देवी की पूजा होती है। ब्रज की गोपिका कात्यायनी देवी से कान्हा को मांगती है अपने पति के रूप में। मैं देवी माँ के आगे धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन का कान्हा मुझे दे दिया है। मैं भी देवी माँ को बोलता हूँ कि वो आपके कान्हा को जल्दी से आपके पास भेज दे। ये बात भी मेरी देवी माँ ने सुन ली है। तेरे जीजा जी मुझसे रोज शादी के दिन तक मिलने आया करेंगे। रोज? रोज दिल्ली से वृंदावन सिर्फ मेरे लिए। क्या बात है, देव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो फिर से वृंदावन तो नहीं चला गया? मम्मी जी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग। देव, आज ना मुझे मथुरा में काम है, तू आज वृंदावन जाते हुए रास्ते में रुक के मेरा काम कर देना। मैं वृंदावन नहीं जा रहा हूँ। सुना नहीं कल वो हाई कोर्ट का ऑर्डर? वैसे हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया, पर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो परमिशन दे सकता है। दादी माँ प्लीज हाई कोर्ट का ऑर्डर को ओवर रूल कर दो ना। मैं अपील कर रहा हूँ, फरियादी हूँ, प्लीज दादी माँ। नहीं दादी माँ प्लीज। नहीं भैया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो फोन कर देना। अच्छा देखो, अब कोई देव को परेशान नहीं करेगा, वो ऑफिस जा रहा है। मैं जाके वैशाली को बता देती हूँ देव ऑफिस गया है, खुश हो जाएगी। नंदू पानी पियोगे? नहीं दीदी। जीजा जी का इंतजार कर रही हो? आई क्यों नहीं? आपने कहा था आज भी आएंगे, फिर कहाँ है? बस आते ही होंगे। फोन करके पूछो। फोन क्यों करना, उन्होंने वादा किया था ना, रास्ते में होंगे। चलो अच्छा है, आज मैं भी उनसे मिल लूंगा। जाओ नंदू, तुम्हारे बाबूजी तुम्हें बुला रहे हैं। वो आएंगे तो मुझे बुला लेना, भूलना नहीं। हेलो, कैसा चल रहा है काम? दादी माँ, आपको डॉक्टर ने नमक खाने के लिए मना किया है, का मतलब ये नहीं है क्या फोन करके मेरे घाव पर नमक छिड़केंगे? सब्र कर बेटा, सब्र कर।
सब्र का फल मीठा होता है। अब देख, तू ऑफिस गया है तो तेरी माँ भी खुश है। अब माँ की बात मान ले और राधिका से मिलने मत जा। अच्छा दादी माँ, मैं राधिका से फोन पर बात तो कर सकता हूँ ना? केवल उसके लिए भी मनाई है। ठीक है, कर ले फोन, लेकिन हाँ इतनी देर तक भी बात मत करना कि बाद में काम में मन लगाना भी मुश्किल हो जाए। ओके बॉस, लव यू दादी माँ। ठीक है ठीक है। कहाँ है आप? राधिका, तुम्हें हर बार पता कैसे चल जाता है कि फोन पर मैं हूँ? बताइए ना, कहाँ है आप? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। राधिका, मैं दिल्ली में हूँ। मैं जानती हूँ आप मजाक कर रहे हैं, आप यहीं कहीं आसपास छुपे हुए हैं। नहीं राधिका, मैं सच कह रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, ऑफिस में। बहुत काम है क्या? क्या कहूं राधिका, कैसे बताऊं तुम्हें कि माँ ने तुमसे मिलने से मना किया है। लगता है आप अपने काम में व्यस्त हैं, आप अपना काम पूरा कर लीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे। बाद में कब? जब आप यहाँ आएंगे। अच्छा राधिका, मुझे दूसरी लाइन पे फोन आ रहा है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। जी। मुझे माफ कर देना राधिका, मैं तुमसे सच भी नहीं बोल पाया और तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आ पाया। हम देव भैया के लिए टिफिन लेके जा रहे हैं, कुछ और भिजवाना है क्या? क्या भिजवाऊं बेटा, थोड़ा सब थोड़ी हिम्मत भिजवा सकती तो जरूर भिजवा देती। देव भैया बड़ी मुश्किल में होंगे ना राधिका जी से मिले बिना। हाँ बेटा, कितना सहा है बेचारे ने, प्यार किया राधिका से, शादी हो गई किसी और से, चुपचाप सहता रहा, घर वालों की वजह से कुछ नहीं कहा, और अब जब थोड़ी सी खुशी मिली है उसे तो हम लोगों ने मना कर दिया। आप माँ जी से बात कीजिए ना दादी माँ। अरे नहीं मानेगी बहू, मैं जानती हूँ ना। कोई तो उपाय होगा। उपाय? उपाय देव वृंदावन नहीं जा सकता, लेकिन राधिका तो आ सकती है यहाँ। अरे हाँ, हमने तो ये सोचा ही नहीं, राधिका जी तो यहाँ पे आ सकती। पर दादी माँ, राधिका जी को हम यहाँ क्या कह के बुलवाएंगे? सोच ना कुछ, सोच। हाँ, अरे हाँ, आप बीमार पड़ जाइए। हाँ, बीमार पड़ जाइए और ये सब लोग मुझे अस्पताल भेज दे। अरे नहीं नहीं, शादी का घर है, माहौल बिगड़ जाएगा। Oh, trust me, it's the best. पुराने और नए ट्यून्स को इतनी अच्छी तरह से रीमिक्स किया ना कि सुन के मजा आ जाता है। I'm sure you're gonna enjoy it. अच्छा शालिनी और नेहा को भी कह देना, बता देना कि मैंने इनवाइट किया है। ओके चल, I'll see you. Yeah, bye. किसे इनवाइट कर रही हो बहू, कोई फंक्शन है? हाँ दादी माँ, फंक्शन तो है, पर प्लीज शादी का कोई बोरिंग फंक्शन नहीं। डांडिया नाइट है, मैंने ऑर्गेनाइज किया, आपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया और कुछ फ्रेंड्स स्पेशली गुजरात से आ रहे। अच्छा,
अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। You liked it? I'm glad. भाई क्यों नहीं, तुमने इतना अच्छा काम जो किया है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा करती हूँ कि मैं भी अपने कुछ मेहमानों को बुला लेती हूँ, रौनक रहेगी। फील फ्री। डांडिया। से लेकर शादी के दिन तक तुम राधिका से मिलने नहीं जाओगे। अब अगर देव अपनी माँ की बात को नकार कर राधिका से मिलते रहना चाहता है तो उसकी मर्जी। तो आप आ गए ना राधिका। मैं हूँ दादी माँ जी। दादी माँ जी क्षमा कर दीजिए, मुझे लगा। कोई बात नहीं, इसमें क्षमा मांगने वाली कौन सी बात है, तुम उसका इंतजार कर रही थी ना। जी अच्छा सुनो, शास्त्री जी से बात करवाओ। दादी माँ बाबूजी तो घर पर नहीं है, वो अखंड दीप की स्थापना के लिए बक्सर गए हैं, नौमी तक लौट आएंगे। अच्छा तो देवकी है, उससे बात करवा दो। जी दादी माँ। माँ। हाँ बेटिया। दादी माँ का फोन है। दादी माँ का। राधे राधे माँ जी। राधे राधे। सब कुशल मंगल तो है ना। हाँ बिल्कुल सब कुशल मंगल है, एक विनती है, मना मत करना। अरे कहिए ना माँ जी। हम यहाँ पर एक डांडिया उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग आओ राधिका को लेकर। पर माँ जी ये तो यहाँ है नहीं तो। तो कोई बात नहीं, तुम लोग आ जाओ, हमारे एक ड्राइवर वृंदावन वाले घर पे है, वो तुम लोग को ले आएगा बिल्कुल सुरक्षित। जी माँ जी हम लोग अवश्य आएंगे। राधे राधे। राधे राधे माँ जी। देव बाबू की माँ जी ने हमें दिल्ली बुलाया है डांडिया उत्सव में शामिल होने के लिए, गाड़ी भिजवा रही हैं। अरे वाह, मतलब दीदी जीजा जी से मिल पाएगी। दीदी शर्मा गई। अच्छा मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ जरूर चलना, पर अपने बाबूजी से अनुमति लेकर। ठीक है मैं पूछ के आता हूँ।
दीदी, मैं जीजा जी से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने राधिका जी से शादी की और उषा को दीदी को घर ले गए, इसलिए राधिका दीदी को उनसे दोबारा शादी करनी पड़ रही है। मैं कहूँगा उनसे कि एक बार जब राधिका दीदी से शादी कर चुके हैं तो दोबारा शादी क्यों कर रहे हैं। Thank you.